कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से डरती है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अब जब भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, हमारे जन कल्याण की योजनाओं और देश की तरक्की के लिए दो मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला, सेंसस 2021 शायद 2024 तक टल गया है, ऐसा क्यों? बिना जनगणना के आंकड़ों के सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद मुश्किल है। दूसरा, जातिगत जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय के लिए बहुत जरूरी है। आम सेंसस में SC वर्ग ST वर्ग की जनसंख्या तो पता चलती है, पर OBC वर्ग की नहीं, जिससे उनके आरक्षण का सही अनुपात तय नहीं हो पाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद स्थानीय निकायों में आरक्षण विभिन्न जातियों की आबादी के अनुसार ही तय होना है। भाजपा को अगर सही में OBC वर्ग की फिक्र है तो टले हुए सेंसस 2021 में ही जातिगत जनगणना कराएं और OBC को अनुपात के हिसाब से आरक्षण मुहैया कराएं। खड़गे ने BJP के डर का जिक्र करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना से BJP क्यों डरती है। 2011-12 में जो जातिगत जनगणना हुई, खाद्य सुरक्षा कानून जैसी कल्याणकारी योजनाएं उसी आधार पर संभव हो सकी। मोदी सरकार ने 2015 में अरविंद पड़गरिया कमेटी बनाकर जातियों का वर्गीकरण का कार्य शुरू कराया। ये क्यों किया गया और इसकी रिपोर्ट कहाँ है? खड़गे ने कहा कि अगर मोदी सरकार के मंत्री और उनका पूरा इकोसिस्टम OBC वर्ग की दिखावटी भलाई के लिए घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं, तो जातिगत जनगणना और सेंसस 2021 एक साथ फौरन क्यों नहीं कराते? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना सेंसस का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, यही हमारी मांग है। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है, लेकिन जिस चीज पर चर्चा नहीं हुई है वो ये है कि परिवार नियोजन में अग्रणी राज्य, जिसमें ज्यादातर दक्षिणी राज्य शामिल हैं, लोकसभा और राज्यसभा में सीटें गंवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को आश्वासन दिए जाने की जरूरत है कि ऐसा नहीं होगा। मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।